पंजाब यूनिवर्सिटी की आराजी ऑरेंज ट्रेन मंसूबे को देने का मामला साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ, साबिक वजीर तालीम राना मशहूद और मुजाहिद कामरान के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी के लिए नैब में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे उमर शाकिर से। उमर, इस दरख्वास्त से मुतल्लिक आगाह कीजिएगा। जी, ये दरख्वास्त लाहौर नैब ऑफिस में दायर की गई है। जरा पंजाब शहबाज शरीफ, साबिक वाइस चांसलर जामिया पंजाब मुजाहिद कामरान और साबिक तालीम पंजाब राना मशहूद के खिलाफ ये दरख्वास्त दायर की गई है। और ये दरख्वास्त जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल नामी तंजीम के सरबराह एडवोकेट अजहर सदीक ने दायर की है। दरख्वास्त में मौके पर तैयार किया गया है कि डॉक्टर मुजाहिद कामरान के नैब मुखालिफ बयान इनके सियासी एजेंडे का मुंह बोलता सबूत है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने मुजाहिद कामरान को सियासी मकासद के लिए वाइस चांसलर जामिया पंजाब तैनात किया। सियासी एजेंडे की तकमील के लिए मुजाहिद कामरान को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि जामिया पंजाब में गैर कानूनी भर्तियां भी शहबाज शरीफ के हुक्म पर हुई। इस दरख्वास्त में इंतजार की गई है कि नैब मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर शहबाज शरीफ मुजाहिद कामरान और राना मशहूद के खिलाफ अस्तर नो इंक्वायरी। बहुत शुक्रिया आपका उमर शाकिर, तफसीलात से आगाह करने के लिए।